स्वाति अंदर है ना, स्वाति मालीवाल तो अंदर नहीं है। अब वीडियो तो उनकी आई है कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी, मेरे को हाथ लगा के दिखा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वो कह रही थी प्रियंका कक्कड़ की, देखिए वो क्या बोल रही थी, गंजे में तेरा नौकरी खा जाऊंगा। अरे वो कम बोल रही थी, किसी महिला पर हमला होना तो उसको बोलना चाहिए था गंजे में तेरा सर फोड़ दूंगी। मेरा विपक्ष से सवाल है कि आप लोगों ने एक नारा लगाया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये नारा तो आपके ऊपर सिर्फ बैठता है कि सरकार बनाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बताएंगे। अगर आप लोग एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर फैसला नहीं लेते, देश के इतने बड़े फैसलों को कैसे लेंगे आप? इन्होंने पहले कहा कि गलती पुरुष करे या महिला करे, चाहे कोई भी करे, सबको सजा मिलनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और अभी जब ये बोल रहे थे बीच में, भाजपा वाले ये बोल रहे थे, तो अब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं महिला का सम्मान कीजिए। ये तो यही बड़ी बातें बदल रहे हैं, यही बड़ी अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में स्वाति मालीवाल और करप्शन के मुद्दे पर जनता ने पूछा ऐसा कड़क सवाल कि वो सुनकर बकलाई मैडम, फिर गौरव भाटिया और जनता ने मिलकर मैडम की पकिया उधेड़ दी। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल का अलग पक्ष है, विभव कुमार का अलग पक्ष है, लेकिन पीसीआर को कॉल किसने किया? स्वाति मालीवाल ने किया। किसने शिकायत की? वो महिला कोई भी हो सकती है प्रियंका जी, वो महिला आप भी हो सकती है, वो महिला मैं भी हो सकती हूं। अगर किसी महिला के साथ हाथापाई हुई है या मारपीट हुई है जैसा वो एफआईआर में लिखा रही है, तो फिर आतिशी जी ने, संजय जी ने कहा कि हाँ विभव कुमार ने ऐसा किया है। अगले दिन आतिशी जी आकर कहती है कि कपड़े नहीं फटे थे, एक्चुअली उन्होंने ऐसी बातें कही, हम लोग तो दंग रह गए सुनकर। आपको नहीं लगता इस इशू को संवेदनशीलता के साथ डील करना चाहिए था? देखिए किसी ने भी गलत किया हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कि दोनों को सजा होनी चाहिए। जिसने भी गलत किया हो उसको सजा होनी चाहिए। सामने एक वीडियो भी आया जिसमें स्वाति मालीवाल जी ये कहती हुई दिखी, गंजे तेरे नौकरी खा जाऊंगी। उसके ऊपर अभी तक भाजपा की पुलिस ने कोई कंप्लेन नहीं ली है। अच्छा, विभव कुमार जी अंदर हैं, स्वाति मालीवाल जी बैठ के इंटरव्यू दे रही हैं, तो ये तो बराबरी नहीं है ना। पुलिस को भी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, पहली चीज। अब मामला पुलिस के सामने है तो जो कार्रवाई होगी सबको मंजूर है। इस बार इनको भगाना है, आम आदमी पार्टी को वोट देना है, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देना है। मगर क्यों? ताकि जो दिल्ली में सुविधाएं मिलती है वो मिलती रहे, और स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाना है। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार, विभव कुमार से आपको क्या दुश्मनी है? ज्यादा चिंता हो रही है ना आपको? विभव कुमार अंदर जेल में, पर पीसीआर कॉल तो स्वाति जी ने किया, उससे क्या होता है? विभव कुमार जी ने क्यों नहीं पीसीआर कॉल मान गए कि हो गया जो उन्होंने कहा? नहीं, जो भी है, जांच हो ना। आपकी मंत्री को नहीं बोलना चाहिए था पीसी में? कुमार जी अंदर है ना, स्वाति मालीवाल तो अंदर नहीं है। अब आप वीडियो तो उनकी आई है कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी, मेरे को हाथ लगा के दिखा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। यहाँ पूरा वीडियो है, वो जितना सिलेक्शन वीडियो बाहर ला रहा है, लाया जा रहा है। बताइए आपको, आपने वो वीडियो देखा, आप भी महिलाएं मैं भी महिला हूं, आपको नहीं लगता कि गलत है? वो गाली दे देगा तो कोई किसी को मारना शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं, आपने देखा क्या? पूरी पूरा सच आने दीजिए। मैं कह रही हूँ कि बस आपके महिला मंत्री को इतना तेजी नहीं दिखानी चाहिए। क्या ये बात सच है या नहीं है? देखिए सबसे पहले क्योंकि इन्होंने वादों की बात करी तो मैं भी कुछ वादे जो है बताना चाहता हूँ। आधुनिक राजनीति के गजनी कौन है? अरविंद केजरीवाल। याददाश्त चली जाती है, स्वाति मालीवाल पे बर्फ जम जाती है गर्मी में। आप मुझे बताइए, ये उन्हीं सेंस के बात अब बीच में ना बोले, सेंस क्या है? बीच में ना बोले, अभी सेंसलेस बात, सेंस बताएंगे, सेंस वाली बात करो, बीच में ना बोले, भाजपा मत बनो। अरे कांपने लगी क्या दीदी? कांप रही है, मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज। धन्यवाद। 500 नए स्कूल आएंगे, ये 10 साल पहले कहा था, लेकिन बच्चों को टॉयलेट में बैठा के पढ़ाने लगे कि यही क्लासरूम है। और सुनिए, 500 स्कूल तो नहीं दिए लेकिन शराब के ठेके 800 खोल दिए। शराब के ठेकों में बच्चों को भेजोगे क्या? गुड क्वेश्चन। दूसरी बात, 20 नए कॉलेज लाएंगे, कितने लाए? अंडा शून्य, कोई नहीं बता दे। 15 लाख सीसीटीवी, लेकिन सीसीटीवी वहां नहीं लगा है जहां स्वाति मालीवाल जी की पिटाई हुई है। वो कहती है 7-8 थप्पड़ मारे गए, अपने मुख्यमंत्री आवास में तो सीसीटीवी लगा लेते। 5,000 नई डीटीसी बसें, वहां घोटाला कर दिया, बस लो फ्लोर वाली लाने थी, अपनी कमीशन अंदर कर दी। 8 लाख नौकरियां देंगे सरकारी, दीदी बता के जाएं, दीदी को बहुत ज्ञान है, कितनी नौकरियां दी है सरकारी, अभी खत्म नहीं हुआ। हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए, 2 लाख का वादा किया था, उन्हीं शौचालय में क्लासरूम चलवा रहे हैं या बनवा रहे हैं ये तो बता दे। आप स्वाति मालीवाल पर एक शब्द में जरूर बोलूंगा कि वो कह रही थी प्रियंका कक्कड़ की, देखिए वो क्या बोल रही थी, गंजे में तेरा नौकरी खा जाऊंगा। अरे
वो कम बोल रही थी किसी महिला पर हमला हो ना तो उसको बोलना चाहिए था गंजे में तेरा सर फोड़ दूंगी। ये होना चाहिए, झांसी की रानी का देश है ये। किसी भी महिला के खिलाफ कहीं भी हिंसा हो, पार्टी के अंदर हो, समाज में हो, कहीं हो, एक सूत्र में एक साथ उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। राधिका खेड़ा पे हुआ चुप हो गए, संदेश खाली पे हुआ आम आदमी पार्टी चुप हो गई, मणिपुर पे बोला मैंने स्वागत किया, ब्रिजभूषण सरन सिंह पे बोला मैंने स्वागत किया, व्यक्तिगत रूप में आपको बधाई दी और मैंने भी बोला कहीं भी गलत है तो वो गलत है। लेकिन ये चालाकी से ये जो केजरीवाल की चोर चुप्पी है ना शराब घोटाले करने के बाद, ये थोड़ा शातिराना है कि विभव कुमार को अपराधी को लेकर घूमते रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, स्वाति मालीवाल जो उनकी एनजीओ के जमाने से साथी रही उनका हाल चाल तक पूछने केजरीवाल नहीं गए कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। यहाँ पता चलता है कि अपराधी कौन छुपा रहा था, पर ये बात है, और अपराधिक मानसिकता से महिला पर हमला कौन कर रहा था। इसके खिलाफ सिर्फ विभव कुमार नहीं है, इसके पीछे पूरी आम आदमी पार्टी का कॉकस गैंग है जो स्वाति मालीवाल को अपने चप्पूओं से सोशल मीडिया पे बदनाम करा रहा है। बात तो सही है। प्रकाश जी का तो क्या बोलूं उनको, नीतीश कुमार जी को आजकल कोई पूछ नहीं रहा, वो चुपचाप बैठे कोने में, उनका पता नहीं तो वो यहाँ आके भड़ास निकाल रहे। मैं आती हूँ भाजपा पे। अब भाजपा पे ये प्रधानमंत्री मोदी की बौखलाहट है जो गौरव भाटिया के मुख से निकल रही है, क्योंकि उन्होंने अगले साल रिटायर हो जाना है, जो इस बार वोट मांगे जा रहे हैं अमित शाह जी के लिए मांगे जा रहे हैं, ये हम सबको पता है। तड़पे नहीं, बौखलाए नहीं, मैं बीच में नहीं बोली, अंजना जी देखिए बोलने दे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। इन्होंने हमारी शिक्षा मॉडल, महिला सम्मान कीजिए, इन्होंने हमारे शिक्षा मॉडल पे उठाए सवाल उठाए, इसलिए जरूरी हो जाता है। इन्होंने मुझसे पूछा यूनिवर्सिटी के नाम गिना दे, लिस्ट भेजू आपको व्हाट्सएप की, गिना दूं? आप गिना दो। दिल्ली साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी 2018 में बनी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी 2020 अगले साल जा रहे हैं। दूसरी चीज सुनिए, आपका नीति आयोग है, भाजपा का नीति आयोग, वो कहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ है। क्या बोला तूने? इन्होंने जो तथाकथित शराब घोटाले की बात बार बार उठाते हैं, उसमें कल प्रधानमंत्री मोदी ने एडमिट किया कि उनकी जांच एजेंसी 2 साल के बाद भी 54 रिकवर नहीं कर पाई, पर हाँ 60 करोड़ भाजपा के अकाउंट में जरूर गए जब साउथ लिकर लॉबी के किंग पिन को इन्होंने बेल दी और सरकारी गवाह। एक एक छोटा छोटा सवाल, इन्होंने पहले कहा कि गलती पुरुष करे या महिला करे, चाहे कोई भी करे, सबको सजा मिलनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और अभी जब ये बोल रहे थे बीच में भाजपा वाले ये बोल रहे थे, तो अब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं महिला का सम्मान कीजिए, महिला का सम्मान कीजिए। ये तो यहीं पर ही बातें बदल रहे हैं, ये यहीं पर ही अपनी स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग देम सो वेल। मेरा विपक्ष से सवाल है कि आप लोगों ने एक नारा लगाया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये नारा तो आपके ऊपर फिट बैठता है कि सरकार बनाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बताएंगे। अगर आप लोग एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर फैसला नहीं ले सकते, देश के इतने बड़े फैसलों को कैसे लेंगे आप? गजब बेइज्जती है। आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, स्वाति मालीवाल जी के केस में आपके जो उनके पीए हैं उनको निष्कासित क्यों नहीं किया गया, पहला प्रश्न। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, दिल्ली जल बोर्ड सबसे ज्यादा घोटाला कर रहा है, दिल्ली जल बोर्ड में आप लोग बोलते हैं पानी फ्री देंगे, किसका पानी फ्री आ रहा है दिल्ली में आप बता दे, लोगों के 15,000 के बिल आ रहे हैं। और नहीं तो क्या, 2-3 सवाल जो है सबके जवाब। पहला जो स्वाति मालीवाल का सवाल है, आपने भी कहा कि फुटेज में दिख रहा है वो गाली दे रही है, पूरा सीसीटीवी फुटेज आप लोग क्यों नहीं जारी करते? हम ये छोटे छोटे टुकड़े क्यों निकाल रहे? हमने तो जारी किया ही नहीं, ये तो न्यूज चैनल में आपके चैनल पे मैंने देखा। अरे भाई वहीं से रिलीज हो रहा है ना, मैंने आपके चैनल पे देखा फिर अपनी पार्टी के पेज पे देखा, हमने नहीं जारी किया। पहली चीज, सीसीटीवी कौन देखा? पूरा फुटेज जारी कर दीजिए ना, होगा ना अंदर वीडियो? नहीं, वकील ने कहा कि ब्लैंक, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बताने दीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अंजना जी, चलने दीजिए, पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए अंजना जी, पुलिस कहानी खत्म हो जाएगी, वो टीवी यार सब ले गए हैं, निकालने दीजिए उनको, कुछ मिलेगा तो दिखा देंगे, उनके पास सारा कुछ है, इनकी पुलिस है, अब तक कुछ होता वो छोड़ते हमें क्या, बिना सबूत के ले जाते हैं हमें, जवाब दीजिए। दूसरी चीज सुनिए, अभी इन्होंने पूछा प्रधानमंत्री कौन, तो सुनिए, हमारे देश में ना कभी भी व्यक्ति विशेष नहीं होता था 2014 से पहले तक, देश आगे है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब ये एक नया फॉर्मूला चला था 2014 के बाद कि व्यक्ति विशेष हो गया, ऐसा नहीं होता, इंसान इंपॉर्टेंट है, हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे,
हम लोग सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे, सब में किसी में दिक्कत नहीं है, कोई प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक और लालची नहीं है, गौरव देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। रुक तेरे को बता देती हूं, पापी आप व्यक्ति विशेष नहीं है, 3 साल का टर्म था कन्वीनर का, 13 साल से अरविंद केजरीवाल ही है, लेकिन व्यक्ति विशेष हम नहीं है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री पद से जेल जाते हैं, कोई पापी आप में अच्छा नेता नहीं मिलता है, सुनीता केजरीवाल आके बैठ जाती है तिरंगे के साथ, लेकिन हम व्यक्ति विशेष नहीं है। प्यारी समझ गई। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।